वो तवक्को शहर है जहाँ पे वो आपकी तवक्कात में पूरा नहीं उतरता, आप वो हो जाते हैं। आप छोड़ देना, आप उन बच्चों की तरह हो जाए जो जिसके जो चिड़िया को पकड़ते हैं, चोट लगी होती है उसके वो मरम पट्टी करते हैं और हवा में ऐसे फेंक देते हैं, उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसके पिंजरे में बंद हो जाए उस एहसान के बदले। सो आप भी अपने आप को बड़ा करें और छोड़ें। प्रेस क्लब ने आपको घर आके मेंबरशिप देनी है, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये बैठे कामरान, इसे कहें ये आपको लाहौर में कोई एक जगह दो कमरे दे दे बड़े अच्छे से, ठीक है ना, इसके खुदाई में क्या कमी है, ठीक है। तो ये दो कमरे दे, आप वहाँ बैठना शुरू कर दें, अपनी एनुअल मीटिंग करें, मंथली मीटिंग करें, वहाँ पे आप वर्कशॉप्स करें, बुलाएं नए लोगों को, बुलाएं इसको, बुलाएं मुझे, बुलाएं हमसे लेक्चर करवाएं, हम इससे बात करवाएं, ये नौजवानों का एक रोशन सितारा है, ठीक है ना, बात करवाएं, उनको सिखाएं। ये वाली बात कि हमारे यूट्यूबर्स गैर जिम्मेदार हैं इसलिए कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। वो एक वो मखलूक है बेचारी जो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मुस्तकबिल बिलावल का है, मरियम का है, आसफा का है, बख्तावर का है, जुनेद का है, अब भाई इमरान का तो नहीं है ना। तो ये फिर ये क्या करेगा, तंग आमद बजंग आमद, ये अपनी सर्वाइवल के लिए सब कुछ करेगा, उल्टा सीधा जो भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले जो चोर है उसकी चोर की माँ को मारो, अब वजह को तो खत्म करो जिसकी वजह से यूट्यूबर्स उस तरफ चले जाते हैं जहाँ उन्हें पैसे कमाने के लिए घटियापन करना पड़ता है। दे उनको फ्यूचर सेफ, वो नहीं करेंगे। कौन बंदा चाहता है कि दो नंबर औरत को पैसे दे के उसका जाली इंटरव्यू करें रेटिंग के लिए, ठीक है ना। वो इसलिए करते हैं कि भाई उनकी सर्वाइवल है। आप थोड़ा सा आगे बढ़े यार, आप बड़े हो जाएं, छोड़ें। आप जो बड़ों को देखते हैं कि कोई आपका बड़ा बने, क्यों बने, आप खुद बड़े बने। ये जो घरों में छोटे छोटे होते हैं ना, जो रेडियो पे काम करते हैं फैक्ट्री में, यही तो बड़े होते हैं घर के, जो अपने 10-10 साल के 11-11 साल के बच्चे छोटे जिन्हें हम छोटे पानी लें और छोटे चाय ले, वो छोटे अपने घर के बड़े, क्योंकि वो बड़े की तरह अपने घर को संभाल रहे होते। लिहाजा छोड़ दें इस बात को, प्रेस क्लब की मेंबरशिप ये वो फला, आप अपने आप को पहले साबित करें कि आप कुछ हैं और दुनिया आपके पीछे आए। अच्छा, और इन्हीं में उस तरफ आ रहा हूँ, ये जो इकट्ठे होने वाली बात है ना, इस पर भी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ मियां साहब, मैं आप लीड सुपर लीड करें फाइनल में, सब दो मिनट में कर रहा हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊँ, दुनिया में ना मुझे नहीं पता कि दूसरा कौन लोग हैं, मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं, और मेरा ये यकीन है कि वो भी आप जैसे नौजवान और अच्छे लोग, और वो भी अच्छे मुहब वतन प्यारे पाकिस्तानी, और अब उनके अंदर भी बड़े ब्राइट स्टार होंगे। लेकिन दुनिया में हमेशा खैर और शर मौजूद होता है, उसमें तफरीक आपका करैक्टर करता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, ये भी नहीं मैं कहता कि आप उनसे इलाक करें या जो वट एवर, मुझे नहीं पता इस पॉलिटिक्स का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो तंजीम है ये अपने अंदर एक इत्तेहाद बना के, एक ग्रुप बना के चले, ठीक है। अगर आपके अच्छाई से मुतासर होकर कोई आपके से मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ये जब शुरू में काम शुरू हुआ गिरफ्तारियों का, और ये रात के 3 बजे मुझे इसका फ़ोन है कि जी हमारे दो दोस्त कर रहे थे कवरेज, तो उनको पुलिस उठा के ले। मैं इस टाइम ये भी कह सकता हूँ कि मेरे मुन्नक भी साहब से बहुत बचपन के ताल्लुक, हम कैचे खेलते रहे, तो मेरे कोई ताल्लुक नहीं थे ना, वो मुझे जानते थे। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि जनाब ये ऐसे साफियों को आप उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप। नकवी साहब शायद मुझे जानते हो, मेरा नाम तो थोड़ा शायद उनके इल्म में, और उनकी मेहरबानी अगर है तो उन्होंने मुझे कहा कि रान साहब सेंड मी डिटेल्स। मैंने इसे फ़ोन किया कि डिटेल, इसने मुझे डिटेल दी। क्या नाम था वो लड़के का? हुसैन, नया पाकिस्तान। इसने तो एक वो था एक कैमरा मैन था, इसने उनके नाम दिए, तो मैंने उन्हें भेजा, तो उन्होंने कहा जी उनसे कहा कि आधे घंटे वहाँ चले जाओ बंदे लिया। मैंने इसे कहा जी जाके बंदे लिया, उन्होंने कहा जी की कर दो सर जी, वो तो आ ही नहीं सकते जो हालात ने पुलिस वाले तक। मैंने कहा यार मैं आपसे कह रहा हूँ आप जाएं और जाके ले आए, ठीक है, जाए थाने जाके वो बंदे बाहर आपका करा देंगे। ये गए, वो दोनों इनके हवाले कर। अच्छा, इसमें
ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं को क्रेडिट ले रहा हूँ, मैंने क्रेडिट लेना होता तो मैं ये बात कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं पे किसी जगह जिक्र करता, मैंने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया किसी ने। आज ये पहली दफा मैं किसी जगह ये बात कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ कि ये रात 3 बजे इसने मुझे उठाया, उठा के मुझसे काम करवाया ना, इसका मतलब ये उन लोगों के पीछे खड़ा था ना, जब सारे नहीं खड़े थे तो ये खड़ा था ना, मैं ना मिलता ये मुझे, साजिद को रिक्वेस्ट करता रहा मुझे, कोई किसी को तो करते ही ना, इसने एफर्ट की। वो जब हज़रत इब्राहिम को फेंक दिया था कुएं में आग के, तो एक चिड़िया जाती थी चोंच में पानी ला के ऐसे फेंकती थी फिर चली जाती थी, तो किसी ने कहा तेरे इस चोंच के पानी से को आग बुझ जाएगी, तो उसने कहा मुझे इससे कोई गरज नहीं, बुझती है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी करूँगी, ठीक है ना, मैंने अपना फ़र्ज अदा करना है। तो उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, ठीक है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, ठीक है ना, तो आप अपने हिस्से की शमे जलाएं बस। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, नीचा दिखाने की ऊंचा दिखाने की, मैं देखे कितने बंदे हमने इकट्ठे कर लिए, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, क्या है बड़े चेहरे, क्या है बड़े नाम, आप खुद बड़े नाम है यार, आप खुद बड़े चेहरे, हम क्यों किसी के पीछे। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब कोई तस्वीर बंदा खिंचाता है ना अपना नाम लेके ना, मारूफ साफी सारा ना मोहसिन नकवी के साथ, वो ये बता रहा होता है कि देखो मोहसिन नकवी ना मैं फोटो खिंचाई, और मोहसिन नकवी शेयर करे आपको, ठीक है ना, कि जी मैं इस आराना के साथ खड़ा हूँ, तब बात बनती है। रफ़ी साहब ने जो गाना ना चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, वो गा रहे थे साथ उसमें अमिताभ बच्चन ऑन स्पीक, उन्होंने अमिताभ ने भी गाना गाया वो दोनों ने मिलके, तो रफ़ी साहब ने अपने जाके एक दोस्तों में कहा कि आज अमिताभ बच्चन जो है वो उसने मेरे साथ गाना गाया, तो उन्होंने कहा रफ़ी साहब क्या कर रहे हैं, ये अमिताभ ने कहना है बाहर जाके कि मैंने रफ़ी साहब के साथ गाना गाया, आपका कद उससे कहीं बड़ा है, आप अपने कद बड़े करें यार, छोड़ें, आप अपना काम ईमानदारी से करें। मैं अब आपको लिख के देता हूँ कि अभी लिख के देता हूँ कि अगर प्रेस क्लब आपके पीछे ना आए तो मुझे कहना, आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए।